गोल्ड विंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है ना, नीचे से टच कर रही है तो मुझे तो लग रहा निमोनिया हो जाएगा मेरे को। पगड़ी तक गीली हो गई, कान तक बंद हो गए भाई। गाइस हमारी गोल्ड विंग डूब चुकी है। इतना इतना पानी इकट्ठा हो रखा भाई यहाँ पे। चलो भाजी स्टार्ट कर दो एक बारी। भाई बारिश रुक गई है ये। भाई अभी हम जा रहे हैं मोगा। हाँ जी कितना ठीक हो सारे सारे बढ़िया होंगे क्योंकि बाबा जी की मेहर है, बाकी सारे ढेर है। भाइयों सुबह सुबह उठ के तैयार हुए हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं हो रही है। कम से कम 12 घंटे से रेगुलर बारिश हो रही है। नीचे सारे राइडर्स खड़े हुए हैं, बाइकें अपनी रेडी हैं, सामान वामान सारा लोड हो गया है। और भाई समझ नहीं आ रहा करें क्या। देखो फिर बारिश और तेज हो गई, अभी 2 मिनट पहले बंद हुई थी, मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, फिर तेज हो गई। भाई जो कपड़े लेके आए थे सारे वैसे के वैसे ही हैं, ये कल वाले ही पहन के जाने पड़ रहे हैं। जैकेट भी सारी गीली है, कल भी बारिश में भीगते हुए हैं, आज भी भीगते हुए जाएंगे। मुझे लग नहीं था क्या सिस्टम है। मन तो आज था कि यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो उनका पब्लिक रिएक्शन लेंगे गुंडा गोल्ड विंग पे, बट लेकिन देखो क्या हो गया यार ये। बाकी भाई जिम कॉर्बेट वाला ये होम स्टे अगर किसी को चाहिए हो तो देख लो भाई, 3 रूम मिलते हैं ऐसे बढ़िया बढ़िया है भैया। कॉर्बेट वाला होम स्टे भैया अपना वो बता दो मोबाइल नंबर 8130505466। ठीक है ये भैया कार्ड भी दिखा दो। लो जी यहाँ पे कभी भी आओ अगर रूम कहीं ना मिल रहा हो तो यहाँ मिल जाएंगे। फाइनली डिसाइड कर लिया हमने कि हम निकल रहे हैं, जुगाड़ मैंने कर लिया पगड़ी के लिए कि गीला ना हो यार, गीला बहुत हो जाएगा और कल भी भीगते हुए हैं, आज भी गला देख रहे हो बिल्कुल खराश हो रही है, ऐसा ना हो बीमार हो जाए। अभी आपको अपनी बाइक्स दिखाते हैं। ओए होए क्या मज़ा आ गया भाजी। गोल्ड विंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है ना, नीचे से टच कर रही है तो इस पे शायद एक ही बंदा बैठेगा या मैं बैठ जाऊंगा या कोई भी, और बाकी बड़े बड़े बंदे जो हैं BMW 1250 में बैठेंगे जो मोटे मोटे हमारे में से। ठीक है और अपने गगन पाजी ऊपर खड़े हुए हैं अभी भी, देख लो जैकेट वैकेट रेडी कर रहे हैं। इनकी पता नहीं कब स्टार्ट होएगी रॉकेट, इनका रॉकेट अंदर ही खड़ा हुआ अभी बाहर निकला नहीं है। चलो भाई हम तो चले। भाई बारिश देखो कितनी तेज हो चुकी है, बाहर निकलते ही हमारी बाइकें भगवान को पता लग गया कि हम बाहर आ गए हैं तो हमारी बारिश और तेज कर दी है, सारी जैकेट गीली हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम ब्लॉग शूट करेंगे बारिश के अंदर, अपनी गोल्ड विंग के ऊपर बैठ के रिएक्शन भी नोट करेंगे लोगों के और बारिश के अंदर ब्लॉग करेंगे, देखते हैं कैसा मजा आता है भाई बारिश के अंदर ब्लॉग करने का। भाई निकल चुके हैं हम जिम कॉर्बेट से और बहुत बुरा हाल है, पूरा भीग चुका हूँ, अंदर तक पानी चला गया अंदर तक। मौसम का मजा लेते हुए हम जा रहे हैं दिल्ली वापस, और देख रहे हो नेचर गोल्ड विंग। लो भाई सारे गीले हो चुके हैं, मेरा हाल देख लो, पूरे जूते तक पानी भर चुका है। हवा जी क्या रिपोर्ट है? पूरे गीले। यहाँ शेर देखने आए थे, हमारी बिल्ली भीगी बिल्ली बना दी है। 5-7 कैसे देखो, जनता सारी खड़ी होकर देख रही है बाइक्स को और हम परेशान हो गए बाइक से, हमें जाना गाड़ी में अब घर। बड़ी तेज बारिश हो रही है यार, तू भी यहाँ पे, मैं तो कह रहा हूँ भाई ये मान ही नहीं रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चली जा रहे हैं। भाई रुक नहीं हूँ, रुक जाओ कैफे तो रुक जाने। भाई मेरी जैकेट अंदर तक गीली हो गई है देख रहे हो, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपकी गीली है, आपकी भी गीली है। भाई लोग हम लोग ना कहीं रास्ते से भटक चुके हैं और हम आ गए किसी गांव में और यहाँ पे ना एक पब्लिक रिएक्शन लूंगा, आगे थोड़ा सा गांव आएगा वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे इतना बढ़िया रिएक्शन दे रहे हैं ना भाई, मतलब कह रहे भाई ये क्या ऐसे एकदम। अभी आपको दिखाता हूँ, चल के आगे रुको। लो भाई चेक करो क्या है, देख रहे हैं सारे लोग भाई। भाई जाम लग गया गाइस यहाँ पे, और लोग पता क्या कह रहे हैं, अरे भाई बहुत गाड़ी बना रखा है, गालियाँ दे रहे भाई लोग, कह रहे गाड़ी लग रहा है, बुरा तो बात है ना, थोड़ा इलाका ऐसा है। गाइस हमारी गोल्ड विंग डूब चुकी है, इतना इतना पानी इकट्ठा हो रखा है भाई यहाँ पे, वो देखो बड़ी मुश्किल से निकाली है भाई, ना फोन चल रहा है, फोन भी नहीं चल पा रहा गाइस, बहुत दिक्कत हो गई है यार, पानी चला गया या तो फोन में, फोन भी बहुत ज्यादा हैंग होने लग गया है। बाकी बंदे यहाँ वेट कर रहे हैं, ये लोग तो पहुँच गए, हमारी रुक गई थी भाजी, यार बहुत बुरा हाल हो गया भाजी। हम हाईवे आ गए ना, चलो भाई हाईवे आ गया।
भाई बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हैं, सब कुछ भीग चुका है, ये देख लो हाल पूरा का पूरा भीग चुका है। बाइक की अपनी खड़ी है साइड में और भाई मुझे तो लग रहा निमोनिया हो जाएगा मेरे को, पगड़ी तक गीली हो गई, कान तक बंद हो गए। भाई भाई साहब बता दो कितनी देर से बारिश हो रही है यहाँ पे? कम से कम 12 घंटे से हो रही है रेगुलर, 12 घंटे हो चुके हैं हमें बारिश में घूमते हुए और बाइकों पे घूम रहे हैं। ये नहीं कि गाड़ी वाड़ी हो तो गाड़ी पे घूम ले, पर क्या करें, चलो ये भी फन है। मेरा मन कर रहा है कुरकुरे खाने का, कुरकुरे लेने आया हूँ मैं यहाँ पे, कुरकुरे लेके मिलता हूँ जरा रुको। भाई हमने पगड़ी उतार के पहन लिया, ये भाई सारे रेडी बैठे हुए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई ऐसी बारिश मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, जूतों में तक में पानी है, अपनी जैकेट नहीं सूख रही, पाजी अपना एंजॉय लेके बैठे हुए हैं। ये भाई ऐप्स का है, हेलो दिलजीत पाजी चले फिर, चलो दिलजीत पाजी हमें यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं आगे। भाई अपने राइडर जा रहे हैं, मैं और गगन पाजी अपनी रॉकेट ट्री में आएंगे बाद में, उनको जाने दो। भाई बारिश रुक नहीं रही है, पता नहीं क्या चूल हो गई है जाने की, उनको हमने कर दिया बाय। अब आगे वाले ढाबे पे मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो बाय। ठीक है भाई जाओ। चलो भाइयों थोड़ी बारिश कमज़ोर हुई है तो हम भी अपने ट्रम्प निकाल रहे हैं रॉकेट और अब इस पर पहुँचेंगे आगे, और जो बंदे आगे निकल के हैं वो बता रहे हैं कि 5 से 7 किलोमीटर बाद बारिश ख़त्म है, तो हम लोग एक्साइटेड और मोटिवेशन हो गया कि चलो भाई आगे जाके तो बारिश नहीं मिलेगी, अब फटाफट से इसको भगाते हुए जाएंगे ताकि हम थोड़ा सूख भी जाए। बारिश रुकने का बढ़िया हो गया काम यार, नहीं तो भाई निमोनिया हो जाता यार, है भाजी। ये चलो भाजी स्टार्ट कर दो एक बारी, ओए ओए ये इंजन का साउंड सुनते ही ना मज़ा आ जाता है भाई, ऐसा लगता है यार वाव व्हाट अ बीस्ट। मोड़ो जी मोड़ो मोड़ो मोड़ो। चलो गाइस आगे चल के एक बारी फिर देखते हैं क्या सीन है, अभी फिलहाल फोन अंदर रख रहा हूँ, बारिश में फिर गीला हो जाएगा। भाइयों बारिश रुक गई है, ये भाई अभी हम जा रहे हैं मोगा, ये देखो पिंकी मोके आड़ी, सॉरी मोगा मोगा है, पिंकी नहीं है इसके अंदर। हम मोगा पे रुक के हम खाएंगे पराठे, वहाँ पे खाली खाई थी मैगी, बाकी बंदे हमारा यहीं इंतजार कर रहे हैं। भाई मेरी तो तबीयत थोड़ी सी ढीली लग रही है, आवाज़ भी कमज़ोर हो गई है, ऐसा ना हो। ओए ओए एक तो भाई इसकी आवाज़ सुन के ना करना जरा करना है मेरी, अब देखो देखा इंतजार हो रहा हमारा यहाँ पे। ये खड़ी अपनी बाकी की बाइक है, एक और आ गई है, ये देखो कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं जैसे लोग ऐसे लोगों बाइकों को देखते हैं हमारी जैसे लड़कियों पे गंदी नज़रें नहीं होती, वो वाली नज़र है इनकी। चलो भाजी भाई गरम गरम ऑमलेट मंगाया मैंने, बाकी भाई सारे पराठे खा रहे हैं पर मैं तो नहीं खा सकता, मैं तो गरम गरम ऑमलेट खाऊंगा, थोड़ा सा तबीयत को ठीक करूंगा, बिल्कुल गला खराब हो गया। ये देखो ये आदमी जिम करता है और पराठे खाता है, डोला दिखाना डोला। अभी पराठे देखो लो भाई जी देख लो फिर से जाम। अंकल पसंद आ गई बाइक हैं? एक बुक करा दे आपके लिए अंकल की फोटो खींच दो यार एक, अरे वो वीडियो बना रहे हैं। अच्छा वीडियो बना रहे हैं अंकल, चलो भाजी यार। भाई ये फिर यार इनका सामान खत्म नहीं हो रहा भाई, मैं गोल्ड विंग पे बैठूंगा भाई, अब थोड़ा मुश्किल है यार रॉकेट पे बैठना ना, रॉकेट उड़ती है अंकल वैसे कौन सी बढ़िया लग रही है सबसे आपको, सच से बता दो, सच बताना है, 7 करोड़ का सवाल है ये। ओए पहले अंकल मिले कह रहे ये पसंद आई है ये तो ठीक है, चलो सही है अंकल को पसंद आ गई है, हमें तो ये पसंद है फिर वो पसंद है। ओह ये तीसरे नंबर पे पसंद है आपको? हाँ ये तो बिल्कुल ना के बराबर पसंद है, ये पहाड़ों पे चलने वाली बाइक है ना, हम पहाड़ों पे कम जाते हैं। अंकल ऐसे करके बनाओ माइलेज कितने को भाई जा रही है माइलेज तो भैया कभी देखते नहीं है उन चीज़ों का, ये शौक होता है।
चलो भाजी चलो, मैंने मेरे को सारी जैकेट पकड़ा दी है, 10 किलो की जैकेट है भाजी ये भाई, पूरी जनता इकट्ठी हो रही है। ठीक है भाई, तुम ब्लॉग में आओगे देख लेना। चलो भाई चलो चलो, सिदक अवल ब्लॉग्स, SIDAK सिदक अवल ब्लॉग्स देख लेना। चलो भाई सब्सक्राइबर्स को बता दिया। हाँ यही है, दर्शन कर लो बनारसी नदी की। कौन सी नदी है भाई? गंगा नदी, ब्रिज घाट है गंगा नदी के पास, और नीचे बोट्स चल रही है देखो। लोगों एक मिनट दिखाता हूँ, घाट गंगा नदी के ऊपर है जो भी है भाई। ये देखो भाई, नीचे सारी बोट चल रही है और पानी का फ्लो भी इतना ऊपर हो रखा है बारिश के चक्कर में, कोई डूब भी ना जाए। देख लो भाई, भगा रहे थे ना, फिर पेट्रोल खत्म हो गया इनका। अरे भैया थोड़ा साइड देना, वो देखो भाई दोबारा से पेट्रोल खत्म हो गया है, पूरे ट्रिप में चौथी बार पेट्रोल डल रहा है। चलो जी फिर यहाँ इकट्ठी हो गई जनता। ठीक है भाई, जनता ही जनता इकट्ठी हो जाती है भाई, जहाँ गोल्ड में गा के खड़ी हो जाए। ये देख लो बातें चल रही है कितने की है। भैया तो अपनी जॉब छोड़, काम छोड़ के यहाँ आ गए हैं। भैया भाई पंजाबी गाने लगा दिए भाई ने, इतनी भगा रहे थे देख लो, रॉकेट में फिर से तेल की जरूरत पड़ गई। बच्चे देख लो, हेलो कर दो भाई, हेलो कर दो, शर्मा रहे हो भाई तुम तो यार। नंगा हो गया, सही लग रही है भाई, बढ़िया लग रही है, बेहतरीन। चलो धन्यवाद भाई। भाई वो दिल्ली पहुंच चुके हैं हम, अपने दलजीत पाजी को गोल्ड विंग को कर रहे हैं भाई, इनका राइट लेके यहाँ से घर है और अपना आप रॉकेट पे जाएंगे हम। चलो भाई हम तो चले यार, हैं आए, अब बारिश खत्म हो गई तो अब पूरा फील लेते हुए जाएंगे। मैप लगा के हैं भाई, एक काम करते हैं, वहाँ सामने पुलिस खड़ी हुई है और मैंने पगड़ी नहीं बांध रखी, तभी तो गया। तो आप पैदल जाओ, पैदल पैदल चलूँ आगे, आप निकलो ये बैरियर के आगे तक निकलो, है ना, और आप फिर वहाँ हो। निकलो निकलो। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि देखो ये बाइकें हमारे पास तो हैं और आगे हो रही है बैरिकेडिंग, तो हम जाएंगे पैदल पैदल ताकि भाई ये पुलिस वाले हमें रोक ना पाए, क्योंकि मैंने पगड़ी नहीं बांधी ना, हेलमेट है मेरे पास, तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे G20 का दिन है आज, लास्ट दिन है G20 का, इस चक्कर में भाई मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ अपना, पीछे वो देखो रॉकेट भाई आएंगे उड़ाते हुए, फिर उनके साथ बैठ के हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन भाई जो भी कहो, बारिश में मज़ा आ गया आज, थोड़ी सी बीटी है, तबीयत की दिक्कत हो जाएगी, बुखार हो सकता है, बट लेकिन भाई मज़ा फुल आ गया। लो भाई अपने गगन पाजी आगे आ गए हैं, ये बड़ी बाइकें होती है ना इनके साथ थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है, पुलिस वाले वैसे ही बहुत बैठे हुए हैं, देखो देखो कितनी पुलिस बैठी हुई है। चलो भाई चकमा दे दिए पुलिस वालों को, अब आगे की दिक्कत है, आगे कहीं और पुलिस वालों ने रोक लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा गगन पाजी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता अब कोई रोकेगा। भाइयों इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है आगे तक, G20 के चक्कर में कोई VIP मूवमेंट हो रही होगी, हमने तो भाई यहीं खड़ी कर दी बाइक और अपना ट्रैफिक में उतर के टांगे सीधी कर रहे हैं।
हर जगह जाओ भाई, पीछे तक आगे तक हर जगह आगे तक। तो गाइज अपनी रॉकेट 3 को कर दो बाय, भाजी जा रहे हैं घर। ओके भाजी बाय, चलो भाई। घर पहुंच चुके हैं भाई, मज़ा आ गया आज बारिश में राइड करने का। फर्स्ट टाइम बारिश में ऐसी राइड करी है। बस थोड़ी सी बीटी ये थी कि रेनकोट नहीं था, रेनकोट होता तो और मज़ा आता। बहुत ज़्यादा क्रेजी रिएक्शन मिले लोगों के। एक तो वहाँ पे किसी ने गोल्ड विंग नहीं देखी थी, तो गोल्ड विंग देख के सारे ऐसे कर रहे, ये क्या है। एक बंदा कह रहा भैया ये कौन सी बाइक है, ये कह रहा गाड़ी है, ये बाइक है, ये रॉकेट है क्या। ऐसे ऐसे रिएक्शन मिले, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि यार बारिश बहुत तेज़ बारिश थी। फ़ोन एक बारी के लिए हैंग होना शुरू हो गया था, मैंने बंद कर दिया, मैंने भाई डिक्की में रख दिया था, मैंने कहा नुकसान ना हो जाए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। बाय, लव यू।